शुक्रवार 26 जनवरी को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसके चलते दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में परेड को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाल ही में 13 दिसंबर को हुए संसद कांड के बाद इस बार सुरक्षा के इंतजाम और भी पुख्ता कर दिए गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार तलाशी से लेकर सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाएगी। कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए कुल 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। लोगों के जूतों और जैकेट पर भी नजर रखी जाएगी। खासतौर से जिनके शॉल थोड़े मोटे होंगे उन पर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि वो लोगों पर पूरी तरह नजर बनाए रखें, खासतौर से जैकेट और जूतों पर ध्यान दें। पुलिस ने पहले ही लोगों से उन सामान को लाने से मना किया है जिसे फेंका जा सके, जैसे कि सिक्के। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। परेड में आई झांकियों से लेकर परिसर के कोने कोने पर नजर रखने की तैयारी है। समारोह स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे को हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस कर दिया गया है। संदिग्धों के प्रत्येक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इस बार तलाशी और सुरक्षा में तैनात जवानों को जूतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए लोगों को एक नहीं बल्कि सिक्योरिटी के 3 लेयर से गुजरना होगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर यातायात व्यवस्था और प्रतिबंधों पर भी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किला मैदान की ओर बढ़ेगी। सुबह 9:30 बजे नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर समारोह होगा। परेड मार्ग पर व्यापक यातायात व्यवस्था और प्रतिबंध होंगे। एडवाइजरी में कहा गया है कि परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, सुभाष चंद्र बोस चौराहा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी। बुधवार शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जा रही है। परेड खत्म होने तक पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAV, UAS, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, विमान से पैरा जंपिंग जैसे गैर पारंपरिक उड़ान पर 15 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। उसी दिन दोपहर 1 बजे संसद की विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से 2 शख्स अचानक नीचे कूद गए और हंगामा करने लगे। दोनों ने नारेबाजी की, फिर जूते में छिपाकर रखा गया कलर स्प्रे निकाला और हवा में उड़ा दिया। इससे सांसदों में डर फैल गया। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी 2 लोगों को हंगामा करते वक्त पकड़ा गया था। इसमें एक महिला और एक युवक शामिल था। संसद भवन के बाहर दिल्ली पुलिस का पहरा था। ये आरोपी सुरक्षा बलों को चकमा देकर अंदर कलर स्प्रे ले गए थे। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा कड़ी रखना पुलिसकर्मियों की प्राथमिकता है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।